जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्लासी के यूथ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो स्पेशली खासकर स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं जनरली। तो हम लोग चलते हैं प्लासी के यूथ से स्टार्ट करते हैं। ओके, प्लासी वॉर। सबसे पहला, 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। ठीक है, 1756 में इसका शुरुआत होती है, 1756 से सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला जो था आपका बंगाल का नवाब बना। ठीक है, बंगाल का नवाब बना। सत्रह सौ छप्पन में सिराजुद्दौला ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का विशेष रियायत देने से इंकार कर दिया, यानी कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो था सिराजुद्दौला से विशेष रियायत मांगा था। ठीक है ना, अंग्रेज जो थे डिमांड किए थे किससे, सिराजुद्दौला से, कि हमको विशेष रियायतें दीजिए। तो जिससे क्या हुआ कि सिराजुद्दौला ने क्या किया, सिराजुद्दौला जो था बंगाल का जो नवाब था वो देने से इनकार कर दिया, और अंग्रेजी सेना उसकी सेना के बीच 23 जून, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध छिड़ गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि कब प्लासी का युद्ध हुआ, तो 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध छिड़ा, और ये किसके बीच में हुआ, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ। प्लासी का युद्ध अंग्रेजी सेना और नवाब सिराजुद्दौला के सेना के बीच मुर्शिदाबाद के नदिया जिलों में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक गांव में हुआ था। ठीक है ना, तो सबसे पहला यहाँ पर क्या थे, अंग्रेज थे, इधर अंग्रेज थे, अंग्रेज और नवाब सिराजुद्दौला के बीच, यानी कि अंग्रेज एंड सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है ना, ये युद्ध चला। ठीक है, ये युद्ध चला, और युद्ध किसके बीच में हुआ, कहाँ पर हुआ, मुर्शिदाबाद। ठीक है ना, याद रखिएगा मुर्शिदाबाद एक जगह है, मुर्शिदाबाद के नदिया जिले में, यानी कि ये मान लीजिए मुर्शिदाबाद है, ये पूरा मुर्शिदाबाद है, मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद का एक जिला है कौन, हमारा नादिया। ठीक है ना, नादिया में ही एक क्या चलता है, बहता है भागी प्लासी नदी है, प्लासी नामक गांव है, भागीरथी नदी है यहाँ पर, यहाँ पर भागीरथी नदी है। भागीरथी की नदी कहाँ के बगल में कौन सा गांव बसा है, प्लासी का गांव बसा है। तो उसी गांव में ये क्या हुआ, युद्ध चला, इसलिए इसको प्लासी नामक हम लोग प्लासी का युद्ध कहते हैं। तो प्लासी का युद्ध क्यों कहते हैं, तो सिंपल सा है कि मुर्शिदाबाद के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे एक प्लासी गांव है, वहीं पर ये युद्ध हुआ, इसलिए इसे प्लासी का युद्ध कहा गया। प्लासी का युद्ध के तरफ से अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का क्या कर रहा था कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो था अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था इस युद्ध में, और प्लासी के युद्ध में अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हुई। तो नवाब सिराजुद्दौला जो था उसमें एक मीर जाफर ने क्या किया, मीर जाफर धोखा दे दिया, मीर जाफर जो था जो धोखा दिया। ठीक है ना, वो क्या किया, धोखा दिया, किसको धोखा दिया, सिराजुद्दौला को, सिराजुद्दौला को धोखा दिया, जिसके कारण अंग्रेज जो थे अंग्रेज, ये प्लासी का लड़ाई जो था, प्लासी का युद्ध जीत गए, प्लासी का युद्ध जीत गए, कौन जीते, अंग्रेज, और सिराजुद्दौला हार गया। तो मीर जाफर ने धोखा दे दिया, तो अंग्रेज ने धोखाबाज और षड्यंत्रकारी के कारण सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाकर अंग्रेजों ने बंगाल को जमकर शोषण किया। ठीक है ना, तो मीर जाफर को क्या किया, मीर जाफर एक तरह का धोखेबाज था, धोखेबाज था, उसको क्या किया, बंगाल का नवाब बनाया, बंगाल का नवाब बनाया, और इसके धोखा कर कर क्या किया, वो बंगाल को पूरा तरह से शोषण किया, बंगाल का शोषण किया, बंगाल का शोषण किया। ठीक है ना, बंगाल का शोषण किया। शोषण करने के बाद शासक बने मीर जाफर ने जब बंगाल के अत्यधिक शोषण की खिलाफत की, तो
अंग्रेज ने उसे हटा दिया। जब मीर जाफर देखा कि तो हमारा शोषण कर रहा है, तो क्या हुआ कि मीर जाफर क्या क्या विरोध करना स्टार्ट कर दिया। मीर जाफर क्या किया, विरोध करना स्टार्ट किया। विरोध स्टार्ट किया किससे, अंग्रेज से। तो अंग्रेज क्या किया, उसको हटा दिया अपने पद से, उसके पद से उसे हटा दिया। शासक बने मीर जाफर ने जब बंगाल के अत्यधिक शोषण के खिलाफ की, तो अंग्रेज ने उसे 1760 में उसे हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। ठीक है ना, तो यानी कि 1760 में उसको उसके पद से हटा दिया, 1760 में उसके पद से उसे हटा दिया, पद से हटा दिया और किसे बना दिया, मीर कासिम को बना दिया। ठीक है ना, मीर कासिम को पद दे दिया। ठीक है ना, मीर कासिम को उस पद पर दे दिया। मीर कासिम अपनी प्रजा का भला चाहने वाला की निकला। मीर कासिम क्या था, प्रजा चाहने वाला निकला, जिस कारण से अंग्रेज के प्रभाव से बचने के मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। और मीर कासिम क्या किया, मुर्शिदाबाद से जाता था। और मीर कासिम क्या था, मीर कासिम जो था उसे बाद में पता चला कि अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं, लेकिन मीर कासिम अपना प्रजा का कासिम प्रजा का भला चाहता था, भला चाहता था। ठीक है, तो ये प्लासी के युद्ध से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है ना, प्लासी के युद्ध से रिलेटेड। अब इसी के बाद स्टार्ट होता है एक बक्सर का युद्ध। हम लोग बक्सर के युद्ध के बारे में भी एक बार पढ़ लेते हैं। इससे बक्सर का युद्ध, मीर कासिम ने अंग्रेज के खिलाफ एक जंग का ऐलान कर दिया। चूंकि मीर कासिम जान रहा था कि हमारे राज्य को लूट रहा है, तो मीर कासिम क्या किया, मीर कासिम अपना प्रजा का भला चाहता था, और मीर कासिम ने क्या किया, अंग्रेज के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। ठीक है, तो ये आपके बक्सर की लड़ाई का यहाँ से स्टार्ट होता है। हम लोग आगे के वीडियो में बक्सर की लड़ाई के विषय में पढ़ेंगे, बक्सर का युद्ध। ठीक है, और अभी हमने प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िए, स्टेट पीसीएस में खासकर पूछे जाते हैं, स्टेट पीसीएस में एग्जाम से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, ओके, आशा करते हैं ये समझ में आया। और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।